गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है बरसीम। बरसीम होती है चारे वाली फसल। चारे वाली फसलों की मीनिंग होती है फोडर क्रॉप्स। क्या होती है? फोडर क्रॉप्स, FODER, फोडर क्रॉप्स, यानी चारे वाली फसलें। उसमें पहली अपनी बरसीम। बरसीम की मीनिंग भी क्या होती है? बरसीम ही होती है। बात करें इसके वानस्पतिक नाम की, तो वानस्पतिक नाम होता है इसका ट्राइफोलियम एलेकेजेंड्रियम। ट्राइफोलियम एलेकेजेंड्रियम। कुल होता है इसका फेबेसी। उत्पत्ति स्थान है मिस्र देश। उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मिस्र देश। गुणसूत्र की अपन बात करें तो गुणसूत्र होता है इसमें 2N = 16। कितने गुणसूत्र होते हैं? 2N = 16 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात करें वितरण की, किस इसकी खेती कहाँ कहाँ होती है, तो वो देखिए, बरसीम की खेती भारत के उत्तरी भागों में की जाती है, यानी कि उत्तरी भारत में। कहाँ? उत्तरी भारत में की जाती है। और उत्तरी भारत में भी अपने स्टेट की बात करें तो वह है पंजाब, हरियाणा व हिमाचल प्रदेश। अब ये समझो कि जो बरसीम की खेती होती है वो कब होती है? शीत ऋतु में, मतलब सर्दियों में इसकी खेती होती है, ठीक है। और ये ठंडे मौसम की फसल होती है। फिर है देखो, राजस्थान में इसको बहुत कम क्षेत्रफल में उगाया जाता है, या बहुत कम क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। और मुख्यतः की जाती बोले तो राजस्थान में श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ में इसकी खेती की जाती है। अब बात करें उपयोग व महत्व। बरसीम में उपयोग व महत्व, देखो उपयोग, ठीक है। उपयोग में पहला देखो, इसमें बरसीम में 20% प्रोटीन, 20% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसे चारे वाली फसलों का राजा, क्या कहा जाता है? इसे चारे वाली फसलों का राजा कहा जाता है। फिर है कि बरसीम का उपयोग किस में किया जाता है, तो बरसीम का उपयोग सर्वाधिक हे बनाने में किया जाता है। अब आपको 11th में मैंने बताया था पशुओं का आहार आया था, उसमें टॉपिक था हे और साइलेज, हे और साइलेज। तो हे तो बनाया जाता है किसका? बरसीम का। जबकि साइलेज किसके बनाया जाता है? मक्का का। अभी किसके स्रोत होते हैं? देखो, हे तो स्रोत होता है प्रोटीन का। किसका स्रोत होता है? प्रोटीन का। जबकि साइलेज किसका स्रोत होता है? कार्बोहाइड्रेट का स्रोत होता है। अब बात करें अपने जलवायु की, तो जलवायु में देखो, बरसीम की खेती के लिए ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? ठंडी व शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती हेतु 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, क्या है? इसकी खेती हेतु 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है, मतलब कम तापमान में इसका आसानी से उगाया जाता है। फिर है मृदा, कौन सी है? मृदा। मृदा में देखो, उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा, कौन सी है? उचित जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा उपयुक्त रहती है, जिसका पीएच मान 6 से 7.5 के मध्य, जिसका पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। बात करें किस्मों की, तो किस्मों में देखो, बरसीम में दो प्रकार की किस्में पाई जाती है। बरसीम में कितने प्रकार की किस्में पाई जाती है? दो प्रकार की किस्में पाई जाती है। पहली तो होती है द्विगुणित और दूसरी होती है चतुर्थ गुणित। तो द्विगुणित किस्में देखो, मस्कावी, खदरावी व बीसी पष्ट। मस्कावी, खदरावी व बीसी पष्ट, ये तो कौन सी हो गई? द्विगुणित। बात करें अब चतुर्थ गुणित की, किसकी? चतुर्थ गुणित की। तो चतुर्थ गुणित में देखो, पूसा जाइंट, फिर है वरदान, ठीक है। फिर है के 256, फिर है 678, 780 व BL10 व 22।
अब यहाँ पे जो पूसा जायंट किस्म है, पूसा जायंट किस्म है ठीक है, यहाँ पे आ गई। लेकिन आगे अपन फलों की खेती पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर के पार्ट में ठीक है, वहाँ पे पूसा जायंट किस्म आएगी ठीक है। और एक जो अभी वरदान, यहाँ पे जो वरदान है, वरदान एक चने की किस्म भी होती है। किसकी किस्म होती है? चने की किस्म भी होती है। अब बात करें अपन बीज दर की, तो बरसीम की बीज दर होती है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की बीज दर रखी जाती है। बात करें बीजोपचार की, तो इसमें बीजोपचार में लिया जाता है राइजोबियम ट्राइफोलियम कल्चर या ट्राइफोलियम कल्चर काम में लेते हैं। ये क्या है? जैव उर्वरक होते हैं। कौन से होते हैं? जैव उर्वरक होते हैं। अब देखो यहाँ पे नोट डाल के मैंने लाइन लिखवा रखी है कि बरसीम की मुख्य खरपतवार कौन सी होती है? कांसनी। आपको खरपतवार वाले चैप्टर में बताया था मैंने कि बरसीम का मुख्य खरपतवार कौन सा होता है? कांसनी। कांसनी का बॉटनी नेम क्या होता है? चिंकोरियम इंटाइवस। क्या होता है? चिंकोरियम इंटाइवस। देखो यहाँ पे बरसीम की मुख्य खरपतवार कांसनी होती है। बरसीम को कांसनी से बचाने के लिए क्या है? बरसीम को कांसनी से बचाने के लिए बीजों को 5% कितने प्रतिशत? 5% नमक के घोल में, 5% नमक के घोल में 2 से 3 घंटे के लिए, 2 से 3 घंटे के लिए रखते हैं तथा बाद में छाया में सुखाकर राइजोबियम कल्चर को मिलाकर बीजों की बुआई करते हैं। बात करें अपने बुआई का समय, तो बुआई का समय देखो, क्योंकि ये बुआई का समय क्या है? शीत ऋतु ठीक है। तो अपने जैसे गेहूं है, रिंजगा है, बरसीम है ठीक है, इनकी बुआई अपन कब करते हैं? अक्टूबर नवंबर में। तो इसकी बुआई का समय देख लो, मध्य अक्टूबर से अक्टूबर का अंतिम सप्ताह इसकी बुआई का उपयुक्त रहता है। अब बात करें अपन खाद एवं उर्वरक की, किसकी? खाद एवं उर्वरक की। तो यहाँ पे देखो 15 से 20 टन तो FYM का मतलब होता है फार्म यार्ड मैन्योर, मतलब गोबर की खाद। फिर है 20 केजी नाइट्रोजन, 30 से 40 केजी फास्फोरस व 15 से 20 केजी पोटास प्रति हेक्टर दिया जाता है। यहाँ पे देखिएगा मेन इम्पोर्टेंट है, प्रत्येक कटाई के पश्चात 3 से 4 केजी नाइट्रोजन का घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से पानी छिड़काव करना चाहिए, मतलब घोल बनाकर से पत्तियों का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करें अपन सिंचाई की। तो सिंचाई में देखो बरसीम की फसल को 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। कितनी सिंचाई की आवश्यकता है? 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता होती है। प्रथम दो सिंचाई है जो 10 दिन के अंतराल पर कर देनी चाहिए ठीक है, तथा अन्य जो बची हुई सिंचाई हैं वो 15 से 20 दिन के अंतराल पर करने चाहिए। फिर देखो यहाँ पे गर्मियों में, क्योंकि गर्मियों में बरसीम की फसल को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। अब बरसीम क्या है? जितनी भी क्रॉप है उसको सबसे ज़्यादा गर्मियों में पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए 5 से 7 दिन के अंतराल पर ही क्या करना चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए। अब आता आपने खरपतवार नियंत्रण। अब खरपतवार नियंत्रण में वो लेंगे फ्लुकोलोलिन है ठीक है। अब क्यों लेंगे? क्योंकि ये दलहनी फसल है। यहाँ पे देखो, अब दलहनी फसल मतलब ये नहीं इसे दाल बनाई जाती, दाल से मतलब नहीं, इसका कुल क्या रखा जाता है? लेग्यूमिनेसी। तो यहाँ पे देखो 0.50 से 0.75 केजी, मतलब 1 केजी भी यहाँ पे फ्लुकोलोलिन की मात्रा नहीं ली जाती। कितनी ली जाती है? 750 ग्राम मात्रा ली जाती है ठीक है। या इसके अलावा ऑक्सीफ्लोरोन, क्या है? ऑक्सीफ्लोरोन का छिड़काव करना चाहिए। अब बात करें इसकी कटाइयाँ, बरसीम की कटाइयाँ कितनी की जाती है? तो देखो बरसीम की प्रथम कटाई बुआई के 50 दिन बाद तथा उसके पश्चात 20 से 22 दिन के अंतराल पर कटाई करते रहना चाहिए। अब बात
करें कि एक वर्ष में बरसीम की कितनी कटाइयाँ की जा सकती है, तो एक वर्ष में बरसीम की 10 से 12 कटाई की जाती है। अब आता है रोग। बरसीम में रोग व कीटों का प्रकोप बहुत कम होता है, लेकिन कभी कभी रोली व जड़गलन रोग हो जाता है। अतः इनसे बचाने के लिए उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए व जल निकास की सुविधा रखनी चाहिए। अब बात करें उपज की, ठीक है, तो उपज में 5 से 6 क्विंटल तो प्राप्त होता है बीज, 5 से 6 क्विंटल बीज व 400 से 500 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है।